हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं एक बार फिर आपकी होस्ट अर्चना आपके सामने हाजिर हूँ जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7 लेकर, जिसका टॉपिक था हमारा गरीबी और विकासात्मक विषय। आज उसका पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाके मेरी वीडियो सारी देख सकते हैं। साथ ही जीएस पेपर 1 का भूगोल का पार्ट, एथिक्स का पेपर, हिस्ट्री का पेपर, वन लाइनर, जीके, करंट अफेयर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और साथ के साथ मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। प्लस हमारे फेसबुक पेज पे आप जाके उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। गरीबी और विकासात्मक विषय का जैसे ही पार्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी अपने चैनल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं गरीबी और विकासात्मक विषय के बारे में। हमने इसमें देखा था कि परिभाषा हम कर चुके थे, ये वाला टॉपिक हम पहले कर चुके थे, कारण हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में गरीबी का क्या आंकड़े हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं और इसके प्रभाव क्या होते हैं। आज हम ये तीन टॉपिक कवर करेंगे, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। परिभाषा एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसके बाद मैंने कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोगों को बताए थे लास्ट वीडियो में, इसके कारण मैंने बताए थे, ये कारण एक बार आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में गरीबी, इसके आंकड़े क्या दिए हुए हैं भारत के संदर्भ में। भारत में आप लोगों को जैसे पहले पता है, बहुत सारी ऐसी समितियां बनी हैं जिसने गरीबी के आंकड़े जुटाए हैं, लेकिन कुछ समितियों को सरकारी रूप से मान्यता दी गई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या स्थिति है, इसके बाद इंडिया में क्या स्थिति है भारत की, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये हम सरकारी आंकड़ों की यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सह शताब्दी विकास लक्ष्यों के संदर्भ में वर्ष 2014 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में गरीबी की दर बहुत ही ऊंची बनी हुई है। ये रिपोर्ट की लैंग्वेज है, वैसे तो ये हम लोग को सबको पता है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सह शताब्दी विकास लक्ष्य है उसमें, उसकी रिपोर्ट में ये इंडिया के बारे में कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि प्रतिदिन $1.25 से कम जीवन यापन करने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है दक्षिण एशिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है, और सब सहारा अफ्रीका में। तो ये इनडायरेक्ट तौर पर इंडिया को निशाना बनाता है, ये वाला कथन संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो ये आप अपने आंसर में हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही कहा है विश्व के 1.2 मिलियन अत्यधिक गरीब लोगों में से एक तिहाई हिस्सा भारत में निवास करता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो 1.2 बिलियन हैं पूरे विश्व में, करीब करीब ये लगभग का आंकड़ा है, पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं है। उसमें से 1/3 जो इंडिया में निवास करते हैं लोग, तो ये काफ़ी बुरी स्थिति यहाँ बताई गई है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इंडिया के बारे में। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण वर्ष 2015 के अनुसार $1.9 प्रतिदिन व्यय की क्षमता से तय किया गया था। मतलब कि जो लोग $1.90 प्रतिदिन व्यय कर सकते हैं, उससे नीचे जो लोग होंगे वो गरीबी रेखा के अंदर आएंगे, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो RBI के पूर्व गवर्नर है सी रंगराजन, आप लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा। इन्होंने जुलाई 2014 में सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें उन्होंने कहा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ₹32 प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में ₹47 प्रतिदिन खर्च करने वालों को गरीब नहीं समझना चाहिए। मतलब कि इतना जो लोग एक्सपेंड कर देते हैं अपने डेली के खर्चों में, जो भी खर्च करते हैं, ₹32 प्रतिदिन और 42, ये आंकड़ा आप याद रखिएगा कि ग्रामीण में 32 और शहरों में ₹47, तो उनको गरीब नहीं समझना चाहिए। लेकिन जो इससे लो होंगे, जो इस एरिया से नीचे वाले लोग होंगे, उन्हें गरीब कहा जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आंकड़ों के बारे में जानते हैं। ऐसे ही सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी गरीबों का निर्धारण करने के लिए कि कितने परसेंट गरीब इंडिया में हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और रिसर्च के बाद इन्होंने आंकड़े निकाले, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। 1911-12 में ये आंकड़े इन्होंने दिए थे। इन्होंने अनुशंसा की थी कि भारत में इन्होंने 11-12 में अपने अनुशंसा की थी, आंकड़े दिए थे। इन्होंने कहा था कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन खर्च करने के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि इससे अगर नीचे कोई खर्च करेगा तो उसे गरीब कहा जाएगा और इससे ऊपर जो उसे गरीब नहीं कहा जाएगा। ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा था। और इससे पहले जो मैंने बताया ये वाला पॉइंट, ये कहा गया था सी रंगराजन द्वारा। तो इन दोनों में डिफरेंस है, आप ये दोनों ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स अलग अलग हैं। ऐसे हम आगे बात करते हैं कि भारत में यदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अलावा अन्य लोगों की बात की जाए तो स्पष्ट होता है कि मतलब नॉर्मल आंकड़े तो हमारे पास हैं कि पर्टिकुलर 27 ऑलमोस्ट 26.7 करोड़ लोग, सरकारी आंकड़ा जो दिया गया है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं भारत में, लेकिन 56% लोग भारत के ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकता या ज़रूरत को जैसे कि भोजन, बिजली, आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इन सबको भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। ये आंकड़े 2012 में एक रिसर्च हुआ था, एक सर्वे हुआ था, उसमें ये निकाले गए हैं। और भी एक आध आंकड़े निकाले हैं, जैसे कि लगभग 68 करोड़ लोग वंचन का अनुभव कर रहे हैं। मतलब कि इतने करोड़ लोगों के पास रहने का मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको शिक्षा नहीं मिल रही, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो वो वंचन का अनुभव भारत में कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा बहुत ही शर्मसार है, 56% लोग, आधी से ज़्यादा आबादी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। आगे हम आंकड़ों की बात करते हैं कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं 27 करोड़ सरकारी आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन जो ऊपर हमने डिटेल्स पढ़ी हैं सर्वे के आधार पर, ये 2.5 गुना है सरकारी आंकड़ों से। मतलब कि 68 करोड़ लोग इन्होंने कहा है कि वंचन का अनुभव कर रहे हैं और सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 27 करोड़ लोग हैं। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं को नहीं समझ पा रही है, सरकार भी आंकड़ों जितने भी गरीब हैं उनसे कम आंक रही है हमारे आंकड़ों को। तो उनको भी ज़रूरत है गरीबों की स्थिति को समझने की और उनके लिए एक ठोस कदम उठाने की, ताकि हमारे देश की स्थिति भारत के साथ साथ विश्व में भी सुधर सके, जो हम भारत के प्रति जो विश्व का नज़रिया बना हुआ है वो सुधर सके। तो ये स्थिति सरकार को भी समझनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गरीबी के प्रकार की। गरीबी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी और नितांत गरीबी। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है। निरपेक्ष गरीबी होती है जो कि बहुत ही गंभीर अभाव की स्थिति होती है, जिसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे कि भोजन की, सुरक्षित पेयजल की, स्वास्थ्य की सुविधा, आश्रय की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, सूचना की सुविधा का अभाव होता है, बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। और निरपेक्ष गरीबी में ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होती है कि इसमें ये गरीबी केवल आय पर ही डिपेंड नहीं करती कि लोगों के पास क्रय क्षमता नहीं है, मतलब कि लोग खरीद नहीं सकते, लोगों के पास चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं, सेवाएँ पहुँचती नहीं हैं, तो उसके आधार पर भी निरपेक्ष गरीबी कही जा सकती है। मतलब कि आपके पास पैसे तो हैं लेकिन उस पैसे से जो सामान लेना है वो बाज़ार में सामान ही उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति में उस चीज़ को हम निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप की गरीबी है कि ये सिर्फ आय के आधार पर नहीं, आय तो इसमें सम्मिलित होती ही होती है, प्लस में हम इसमें कह सकते हैं कि ये सेवाओं की पहुँच पर भी निर्भर करता है कि सेवाएँ और सुविधाएँ जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँच नहीं पा रही हैं, तो उसको निरपेक्ष गरीबी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सापेक्ष गरीबी। समाज के औसत व्यक्तियों की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय और संपत्ति के अभाव को ही सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है।
इसका मतलब ये होता है कि समाज में नॉर्मल स्तर क्या है, औसत व्यक्तियों का नॉर्मल स्तर क्या है, औसत व्यक्ति क्या है। तो अगर औसत व्यक्तियों से नीचे कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है, उसकी पहुंच उतनी है, तो उसे सापेक्षिक गरीबी कहा जा सकता है। इसको हम तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक गरीबी भी कह सकते हैं। मतलब कि सापेक्षिक गरीबी तब देखने को मिलती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन स्तर जो है सामान्य स्तर से भिन्न होता है। नॉर्मल जो लोग जीवन जी रहे हैं उससे अगर नीचे तुलना जब हम करें तब ये सापेक्षिक गरीबी की स्थिति में आता है। ये लोग सामान्य जीवन जीने तथा आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए संघर्ष करते हैं औसत रूप में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में। तो ये हम तुलनात्मक रूप से यहाँ पर आंकड़े एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नितांत गरीबी की। नितांत गरीबी को मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1995 में, ये आप डेट, ये इसमें ईयर याद रखिएगा, 95 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको परिभाषित किया था। इसके अंदर भी वही चीज़ें कही गई हैं जो निरपेक्ष गरीबी में कही गई है कि जब भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानव जरूरतों का अभाव हो तो उस स्थिति को नितांत गरीबी कहा जा सकता है। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है गरीबी की। निरपेक्ष गरीबी में है कि आय के साथ साथ आय ही नहीं बल्कि सेवाओं की पहुंच भी इसमें डिपेंड करती है, और नितांत गरीबी में मूलतः आय पे ही हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये हो गए तीन प्रकार गरीबी के। होप आपको मेरी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि गरीबी का क्या प्रभाव होता है। गरीबी तो कई रूप में हो सकती है, जैसे कि अशिक्षा, असंतुलित आहार, पोषण में कमी, बाल श्रम, आवास की सुविधा गुणवत्ताहीन, जीवन शैली होती है, बेरोजगारी होती है, खराब साफ सफाई। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पुरुष की किसी भी परिवार में पहले पुरुष अपना जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो पूरी करता है, उसके बाद वो चीज़ें महिलाओं को प्राप्त होती है। तो इसीलिए यह कहा गया है। संसाधनों की कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या गरीबी के प्रभाव होते हैं। ये चार पांच चीज़ जो पॉइंटर मैंने दिए हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हम इसी में से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर निरक्षरता है, पैसों की कमी के कारण लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, स्कूल नहीं भेज पाते, और स्कूल नहीं भेज पाते तो वो लोग उन्हें बाल श्रम में मतलब लगा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घर में पैसे आ सके और दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। बेरोजगारी बढ़ती है, जब किसी को शिक्षा ही नहीं पूर्ण रूप से मिलेगी तो उसे रोजगार कहाँ से मिलेगा, मिलेगा भी तो ऐसा ही मिलेगा जैसे कि लेबर का काम या फिर मिस्त्री का, इस टाइप का रोजगार मिलेगा। शिक्षित युवा वर्ग जैसा रोजगार यहाँ पर नहीं मिलेगा। पोषण और संतुलित आहार नहीं मिलेगा, गरीबी होगी तो आहार ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है, पोषण और संतुलित आहार मिलना बहुत ही मुश्किल है, ये इसका सपना हो जाता है गरीबों के लिए। जो गरीब होते हैं उनकी स्थिति वही समझ सकता है, दूसरे इस स्थिति को नहीं समझ सकते। नेक्स्ट, आवास की सुविधा, पैसे ही नहीं है खाने के लिए, रोटी ही नहीं है तो मकान कहाँ से होगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो सकती हैं। गरीबी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ये तो मैंने बहुत ही लिमिटेड पॉइंट बताए हैं, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए आप इसको अपने शब्दों में अपने आप करिए। इसमें जीवन शैली गुणवत्ताहीन हो जाती है, साफ सफाई की सुविधा नहीं होती, को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बीमारियां फैल जाती हैं गरीबी से। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ गरीबी, ये आपके एसे राइटिंग में भी बहुत ही काम आएगी। तो इस चीज़ को अपने एसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कीजिएगा, प्लस मेंस की आंसर राइटिंग की पॉइंट्स ऑफ व्यू पे कीजिएगा। इसके अंदर करंट अफेयर्स को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपके आंसर में चार चांद लग जाते हैं। इसके लिए मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आई हूँ, उसमें मैं आपको साथ के साथ करंट अफेयर्स में बताती जा रही हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स पर्टिकुलर है, ये GS पेपर 1, 2, 3, 4 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उस सीरीज़ को भी देखना हमारे चैनल पे ना भूलिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।